इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है बी सी का, जी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट डी सी का, और एच मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट डी ए का। हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए एच और एफ ये मिड पॉइंट्स हैं, हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। अब अगर एच मिड पॉइंट है तो डी एच इक्वल होगा एच ए के, सी एफ इक्वल होगा एफ बी के। साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि ए डी ये पूरी साइड इस साइड बी सी के इक्वल होगी। जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, इनके आधे भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे 10 इक्वल टू 10, तो 10 का हाफ होता है 5, उधर भी 5, 5 इक्वल टू 5। तो मैं कह सकता हूँ कि डी एच इक्वल होगा सी एफ के। साथ ही डी ए जो है वो पैरेलल है सी बी के, तो हम कह सकते हैं कि डी एच जो है पैरेलल होगा सी एफ के। अब जो ये डी एच है ये सी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो डी एच एफ सी, डी एच एफ सी ये एक पैरेललोग्राम होगा। मैथमेटिकली देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एच और एफ दो मिड पॉइंट्स थे, तो हम कह सकते हैं कि डी एच इज इक्वल टू सी एफ। दोनों ही अपने अपने साइड के हाफ से आधे हैं, और अगर पूरा पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा। फिर ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है, तो ये डी एच एफ सी पैरेललोग्राम हो गया। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका एरिया होना चाहिए परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेसिकली ये परपेंडिकुलर जो है इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये दो साइड्स है, इनके बीच में परपेंडिकुलर कहीं से भी मेजर किया जा सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स से मेजर करूँ तो परपेंडिकुलर ऐसे आता है, ये सेम परपेंडिकुलर यहीं से आएगा। इन दोनों के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी हुआ जी एन मल्टीप्लाइड बाय एच एफ, जी एन मल्टीप्लाइड बाय एच एफ। हम ये भी देखते हैं कि ये जी एन मल्टीप्लाइड बाई एच एफ इस पैरेललोग्राम का एरिया हुआ, लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच एफ, इसका एरिया होगा हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस, तो वो होता है हाफ ऑफ जी एन मल्टीप्लाइड बाई एच एफ। यहां देखते हैं हम हाफ ऑफ जी एन मल्टीप्लाइड बाई एच एफ, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि देखिए जी एन मल्टीप्लाइड बाई एच एफ ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, और ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच एफ। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी, ये वाला डी एच एफ सी इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जी एच एफ। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच एफ। सिमिलरली हम यहाँ इस वाली फिगर में देखिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एच एफ बी, ए एच एफ बी ये होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच एफ। तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स, इनमें जो ट्रायंगल्स हैं अपने अपने ट्रायंगल्स के एरिया के ट्वाइस होंगे,
यह पैरेललोग्राम इस ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस है और इस पैरेललोग्राम का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस है। हम मैथमेटिकली देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AHFP इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में आपने ऐड कर दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AHFP। इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों पैरेललोग्राम, ये जो ऊपर पैरेललोग्राम बना है, ये वाला एरिया और ये एरिया, ये दोनों ऐड हो गए। ये दोनों ऐड हो गए क्या बनेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं अगर दोनों पैरेललोग्राम्स को मैं ऐड कर दूं, इधर इधर देखिए मैंने ऐड किया है, तो ये तो पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा। उधर देखिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया ऐड हो गए हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को मैं ऐड कर दूं तो बनता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल HEFG। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट्स को जॉइन करके बना है, इसका एरिया बन जाता है दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करने पे। तो राइट हैंड साइड में मुझे मिलता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF प्लस ट्वाइस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, टू बार कॉमन है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GHEF। इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हुआ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GHEF। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया ABCD का एरिया ट्वाइस है उस क्वाड्रिलेटरल के जो इनके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है।